دعائے برائے حجت خدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً تسکنہ ورزقتہ ومتعہ فیہا طویلہ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجا اللہم صلی علی بانیان دی پرخلوص محنت صفے ماتم بچھائی یا سزا کرین دی پڑھائی مرشدادی قبول و منظور فرما ذکر دا صدقہ جو مومنین مومنات بیمارن مولا شفائے کلی عطا فرما میرے مولا جو بے اولادن اولادن نرین عطا فرما میرے مولا جو بے رزقن رزق عطا فرما میرے مولا ساڑھے سارے اندر صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما حقیقی بادشاہ دا جلد مولا دے ظہور واسطے بلند صلوات وستے رہن یا علی کہن والے یا او جائیں وسن او گھر وسن جتھے پنجاں بارہ چودہ دا ذکر علی کے نام سے گرتے بھی سنبھل جائیں گے علی کے نام سے گرتے بھی سنبھل جائیں گے سر پہ طوفان ہوں غموں کے تو وہ ٹل جائیں گے سر پہ طوفان ہوں غموں کے تو وہ ٹل جائیں گے علی کے نام سے جس کو بھی دشمنی ہوگی کوئی ہوگی علی کے نام سے جس کو بھی دشمنی ہوگی پاؤں شبنم پہ بھی رکھے گا تو جل جائیں گے چار مصرے اعظم سلطان پوری انڈیا اعظم سلطان پوری نوجوان شاعر کیا خوب چار مصرے کہے انہوں نے لکھا کہ کس نے کہا دنیا میں بلا تک نہیں آتی کس نے اعظم سلطان پوری کس نے کہا دنیا میں بلا تک نہیں آتی کس نے کہا دنیا میں بلا تک نہیں آتی آتی ہے مگر فرش عزا تک نہیں آتی کس نے کہا کس نے کہا دنیا میں بلا تک نہیں آتی آتی ہے مگر فرش عزا تک نہیں آتی اور مولا میری امداد کو پہنچے ہیں وہاں بھی جس قبر میں ہلکی سی ہوا تک نہیں آتی ہیں
छोटा जा एक मौजजा, चार पांच मिनट दे विच आज प्रोग्राम है, थोड़ा जा मौला रजा भी सुनूंगा मशहद वाली। वैसे तो 14 दे 14 मौजज नुमा है, इतने मौजजे हैं 14 दे जेडे शुमार च नहीं आते, बंदा गिनन पै वे ताकत ही नहीं, इतना जहन ही नहीं जेड़ा इन्हां दे मौजजे गिन सके। 14 दे 14 मौजज नुमा है, लेकिन इन्हां 14 विचों 2 मासूम ऐसे जिन्हां दे मौजजे सब तो ज्यादा है। पहली जात है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी, जिंदे मौजजे इतने हैं। चलो बाकी तो सारी जिंदगी दे मौजजे एक पासे कर लो ना, ऐ जड़े 10वीं दे दिन दे 9वीं दे डीं दे मौजजे वो 1000 तो ज्यादा है। नमाज फजर तो घिन के जीन छोड़न तक 1000 तो ज्यादा मौजजे हजरत इमाम हुसैन बादशाह दे, कदम कदम ते मौजजा है। फरमाया मेरे कत्ल तो बाज आ जाओ, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, कदम कदम ते। यह पहली जात हजरत इमाम हुसैन बादशाह दी। दूसरी जात तुआडा ते मेरा मशहदा वाली मौला रजा बादशाह, मेरे इस शहनशाह देवी इतने मौजजे हैं जेड़े शुमार च नहीं आते। एक मौजजा तो सुनावा, खुरासान दी किसे बस्ती है जाके मौला दे गुलाम नाल हैं, मुरीद नाल हैं। खुरासान दी किसे बस्ती जाके मौला कयाम कीता, एक गुलाम कोल बुला के मौला फरमेंदन बस्ती जा किसे हजाम लै आ, नहीं किसे हजाम लै आ जेड़ा आके मैं अल्लाह दी हुज्जत दियां जुल्फां सवारे, किसे हजाम लै जेड़ा मैं अल्लाह दी हुज्जत दियां मैं रजा दियां जुल्फां बनावे। गुलाम गया हजाम नू लै के आ गया। अच्छा गुजारिश है कि कुछ चीज़ा ऐसिया होंगे जड़िया सुनन नालों भी वेखन नाल ज़्यादा ताल्लुक रखती, ठीक है। ये गल्लां 2-4 अगर देख के सुन सुन ज़्यादा लुत्फअंदोज हो सो इन्हां दे फज़ाइल। गुलाम गया हजाम नू लै आया, हजाम आके मौला दियाँ जुल्फां सवारियाँ, जुल्फां सवारन दे बाद औजार बस्ते च पाए, इंज बैठा है। अच्छा जानदा नहीं ये हस्ती कौन, ये इंज सोच रहा है, सुचेंदा खड़ा है, अंदर कैशा चलती पई है, पता क्या सोच रहा है, दुकान कल ही छोड़ के आया, मजदूरी की थी है परदेसी है, परदेसियों को ज्यादे राह भी थोड़ा होता है, सख्ती नाल मंगना भी नहीं चाहिए, हुण अल्लाह जाने कायशा देसन है। भाई लुत्फ आ रहा गल दा, मौला दियां जुल्फां सवारन दे बाद ए इंज सुचेंदा खड़े,
मजदूरी की थी, ये दुकान कली छोड़ आया, परदेसी ये परदेसियों को ज़्यादा भी थोड़ा आंदा है, सख्ती नाल मंगना भी नहीं चाहिए, अल्लाह जाने का इशा देसन ना देसन। अली दा अठवां पुत्र मुस्कुरा के आदे हजाम जो कुछ सोच रहे हैं मैं तेरिया सोचा दा भी इमाम हाँ। जो कुछ सोच रही है ना मैं तेरिया सोचा दा भी इमाम जामद। अच्छा ए, भला दस सकते हो मैं क्या सोच रहा हूं? मौला फरमाया तू यो नहीं सोचता पे दुकान कभी छोड़ा है, मजदूरी की थी है, जुल्फा सवार है, परदेसी है, परदेसियों को ज्यादा रा भी थोड़ा होता है, सख्ती नाल मंगना नहीं चाहिए, अल्लाह जाने कैशा दे सन ना दे सन। जब सारिया गल्ला मौला दसियां परेशानी बढ़ गई, जी सोचिया तो यो है फिर डियो फिर दियो। मौला फरमाया मंगिया दिता तो फिर क्या फायदा, वो मंगिया दिता फिर क्या दिता, मैं तो दे छोड़ा है दे छोड़ा। मौला फरमाया जेबा ना देख, औजारा वाला बस्ता खोल, औजारा वाला बस्ता खोलिया लोहे दे औजार सोने च तब्दील हो चुके हैं। ऐसे वास्ते ये सारा सिलसिला बनाया फजाइल का थोड़ा जहा मौजज़ा मौला दा सुना टुकड़ा, अगर तुहाडा साथ होवे मुकम्मल ते मौला रजा बादशाह दे दो शेर भी सुना। वो मौला रजा है, वो जिसकी रजा ही खुदा की रजा है, खुदा की अता है वो लो। हूँ देखना कि कितने बंदे जाग रहे हैं, मैं शेर पढ़ूंगा मौला दा तारुफ, मौला दा तारुफ है वो मौला रज़ा है।
पिदर तेरा काजम तो बेटा तकी है, रजा है लकब में नसब में अली है, वो जिसका तारुफ हदीसे किसा है। पिदर तेरा काजम तो बेटा तकी है, रजा है लकब में नसब में अली है, वो जिसका तारुफ हदीसे किसा है। सलामत रहो, वसते रहो। अगला शेर वाकया तुहाडे बच्चियां नूं याद, मौला दे गुलाम जनाबे मारूफ करखी, क्या इस्तां वाला गुलाम है। सारी जिंदगी मौला दी सातों जुत्ती भी नहीं लहाई ते नमाज भी नहीं कला, मैं कुछ आ गया। हाँ, ओ साइया दा गुलाम है मौला रजा बादशाह दा। दरिया रोक दिता, बंदे तोहफे लेके आए, तोहफे ताइफ लेके आए, मिठाइयां लेके आए, तोहफे दिते आदन मारूफ एडा कंट्रोल, तैं चिट्ठी लेके दी दरिया मुड़ गया, एडा कंट्रोल जड़ा बार बार आखे, एडे इख्तियार एडा इख्तियार। मारूफा दिन करम है अली का, अली की अता है, ये दरिया जो कदमों पे पीछे हटा है, ये सब जिन की नाल है निका मोजज़ा है। शेर च जड़ी रदीफ निभी है ना, वो मौला रजा है। हक अदा कर नवीद अब्बास नवीद ने शेर लिखे फैसलाबाद, इत्थे वेखना कौन वो मौला रजा है केड़ा खूबसूरत है। एक शिकारी हरनी दा शिकार करके बाजार च दाखिल होया, इतफाक दी गल है उस बाजार च अल्लाह की अठवीं हुज्जत पहले मौजूद है, यानी मौला रजा बादशाह उस बाजार च पहले मौजूद है।
हरनी पहले तक चुप करके टुर दी, वो मौला रजा है जहन च रहे। हरनी पहले तक चुप करके टुर दी रही, अचानक नजर पई ना रजा बादशाह ते, कदम रुक गए। शिकारी इन छिक रहे खिंच रहे, टुर दी नहीं बल्कि अपनी जबान च मौला रजा बादशाह दे नाल कोई गल कीती है। मौला करीब आए, शिकारी नूं आखदे शिकारी इस हरनी ने अपनी जबान च मैनू आखे कि मौला मेरे जामन पै जाओ। हाय हाय हाय, मौला मैं तुहाडे नाल वादा कर दी हां, दो दिन हो गए मेरे बच्चे भूखे, मौला मैं तुहाडे नाल वादा कर दी मैं अपने बच्चियां नूं दुध पिवा के सूरज गरूब होने तो पहले वापस आ वैसा। मौला फरमाने मैं जामिना इसनूं छोड़ दे। शिकारी आता है हूँ जानता नहीं शिकारी की हस्ती कौन है कह क्या आखिर। शिकारी आता है बड़ी मुश्किल दे नाल इसनूं पकड़े है, शिकार किया है, किवें छोड़ दे जानवर है किवें वापस आ सी। वो फिर इम्तिहान लैण वाले भी लोग आते ना, उन्हें आखो छोड़ आधे जो पहन रजा जो आखरी छोड़ दे। वो इम्तिहान वेखना चाहते इम्तिहान लेना चाहते हैं आजमा रहे हैं। शिकारी छोड़ दिता, हरनी लगी गई, इंतजार शुरू। इन्हां दे ज़हन च कि जानवर है वो किवें वापस आ सी। टाइम गुजरदा आया, उन्नू सूरज गरूब होवण दे करीब उन्नू इन्हां आपस च वत गल्लां शुरू कर दित्तियां। जानवर है चला गया, बस चला गया। अल्लाह अकबर, अजे गल्लां मुकियां नहीं। मौला फरमाइंदे सामने देखो, आए इन्ना सामने डिठा है, उससे हरनी नू एक शेर घेर के ले आंदा और शेर अपनी जुबान चाहता है त्रिखी टोर मौला दा फरमान पूरा होवे। जल्दी टोर मौला दा फरमान पूरा होवे। हरनी भज पई है, मौला दे कदमा ते आके सर रखे, परेशान हो गए। शिकारी आता है जानवर हो के जेने थे वो मौला रजा है। शिकारी परेशान हो के जानवर हो के वादा वफाई, मशदा वाली मुस्कुरा के आ दिन तू इंसान हो कर न पहचान हमको, बशर के बशर ने बशर जान हमको, ये हरनी लेकिन इसे ये पता है। इमाम हुसैन बादशाह तुम सलामत रखें। आओ सोना लगता है तू पढ़ो एक काफी हुक्म है। मैं इतों मुसाहिब शुरू करूंगा,
लेकिन काफी हुक्म है, चलो कोई नाराज नहीं। सोना लगदा है अली वाला, 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 बार बार आख रहे हैं सोना लगता है वाला, वजह रीजन, इसका रीजन क्या है, क्यों सोना लगता है, वजह क्यों सोना लगता है, हाँ किस भी मैदान विचो आ सुन सुन ले सुन ले नहीं भजदा है अली वाला। सोना लगता है अली वाला, क्यों नहीं भजदा अली वाला, चरबट राजा जालिम हुक्मरान जेड़े सेवन गए हो, जेड़े सेवन दी तारीख तो आशना हो, और जान दिन चरबट राजा जालिम हुक्मरान ही जेड़े गए हो, गवाही देसो उनका शहर आज भी उल्टे हुए, जेड़े वेख आयो इस जालम हुक्मरान ने बोदला कतल करवा के बोटियां बना के हांडियां तक पहुंचा दिता, उहदे बाद क्या होया कि मैं भाई मार के बोदला साईं जिस दम हांडिया दे विच पाया, मार के बोदला साईं जिस दम बदले लाल सखी दे जोश शबाज कुआ, बहुत लकत है तू हूं आ जा तेनु सद दे अली वाला। सलामत रहो, बसते रहो, इंशाल्लाह अपने जितने भी हाजरी ने महफिल हाजरी ने मजलिस मेरे समेत मेरे मौला सब दे सगीरा कबीरा गुनाह माफ, जितनी नेक हाजतां लेके आई मौला कबूल करना। मैं भी इस अमीर दी शहादत दे तो जुमले पढ़ा, बुजुर्ग पढ़ जाते हैं ये जवान है जिनके पैर रकाबा ती नहीं पहुंच रहे, हर फुल की अपनी खुशबू है। अलामा साहब ने बहुत प्यारिया गल् की साढ़े बुजुर्ग हैं चंद गल् फिर वैन छोटा जा सवाल है, कासिम दे लुगवी मानी क्या है, जेड़े जान दे ठीक है, मैं कोई परेशान नहीं करने वास्ते आया था, जेड़े जान दे ठीक है, जेड़े नहीं जान दे मैं इसे वास्ते खलोता हूं। कासिम दे लुगवी मानी है तकसीम करने वाला, हुण मेरी गल ते काफी बंदे पहुंच गए, कासिम दे मानी है तकसीम करने वाला, करबलाए च उल्टा नहीं हो गया, गल तो मैं कर गया, जेड़ा तकसीम करन वाला है वो खुद तकसीम हो गया। अल्लाह अकबर, पांच या छह साल का सिन रोंदा हुआ घर पहुंचा है, जनाबे कासम दी मां
बीबी रो क्या दिए कासिम हसन दे बाद प्यो बन के भी मैं पाले ते मां बन के भी मेरे सामने तू रोवे मैं बर्दाश्त नहीं कर दी। मैं सारी जिंदगी कोशिश की थी तेरे कपड़ियां को मिट्टी नहीं आवन दीती। मेरे सामने रोंदा है कह रवाया है कह रवाया है कदमा ते हाथ रख के दिया मां चाचे अब्बास को डसे सा अल्लाह अकबर चाचे गाजी को डसे सा जल्दी दे नाल पोतर दा हाथ मैं बिस्मिल्लाह करा चलो मैं तुहाडी गल दी तायीद करदा बड़ी अच्छी गल है मौला दा अच्छा शायर भी लिखन वाला मौला दा मदा खान भी है अच्छा सवाल पता ही कासम को अमीर क्यों आते अपने हाथ नाल कदी नहीं खाना खाता मां खवे दी है ए ओ अमीर ए शहजादा ओ नफीस है कासम क्यों रोंदा है चाचे को दसे सा कासम दा हाथ नप के अब्बास दे कोल बने अब्बास पूछ दे भतरीजे कोलो मेरे सामने इंदा रोन बर्दाश्त नहीं पूछ दे क्यों रोंदा है जनाबे अब्बास जी में पक्षी नु गज लगता है तड़पे इंज करीब आके कासम दे गाले च बाई पा के मेरी जिंदगी च तू रोवे मेरे जीवन दा मकसद मेरा लाल कह रवाया ही उस वेले चाचे दे कदमा ते हाथ लग के आते चाचा भी है उस्ताद भी है हसन दा यतीम एक मिन्नत करेंदा है अब्बास फरमाने क्या आखना चाहना है मिन्नत यो करना चाहना चाचा आज दे बाद मैनू जंग दे तरीके ज्यादा दसिया कर मैं बाजार च प्यू दे कातिल वेख आया भला होए जिन्ना हाय कीती है मजमून बड़ा तवील है मैं चंद गल्ला छोड़ वैसा हो सकता है लेकिन फिर भी इतना काम नहीं मैं इसे वास्ते फजाइल छोड़े है मुसाइब दिया रातन ज्यादा देर मुसाइब पड़ा अल्लाह अकबर राज के मुकाम देवो मामा भेणा समेत तीन दिन का मेहमान है पता नहीं आइंदा कोई होवे साडे कोई ना होवे जिंदगी का कोई पता नहीं ये इम्तिहान लैवन वाली रात नहीं दो गल्लां भी याद करके रो सकते हो इबादत कर सकते हो हुसैन ते करबला ज़ैनब ते शाम ये जाकर दा या पढ़न वाले का इम्तिहान नहीं लेना अपनी इबादत ज़हन च रखनी है साडा काम है कोशिश करनी कहानी सुनानी आइंदा पता नहीं कोई होवे कोई ना होवे रज के आओ रल के मुकान लेंदे हैं अल्लाह एक बंद सुनवावा शाबाज हुसैनी लश्कर दा जड़ा लह पिया फौज विचाले शब्बीर दे पहुंचन तो पहले गए खोल बीबी दे वाले शब्बीर दे पहुंचन तो पहले गए खोल बीबी दे मैं सदके अल्लाह अकबर लफ्ज़ सुनना तू कथ लथाए मैं को नहीं लभदा दित्ती हकल बतूल दे लाले
आवाज आई मैं कुना लभ चाचा मैं हा सुमा दे कितना सुने अल्लाह अकबर आवाज आई मैं कुना लभ चाचा मैं हा सुमा दे ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੋਰ ਸੁਣ ਨੌਖੇਜ ਜਵਾਨੀ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਜੱਡਾਂ ਲੈ ਗਈ ਵਿੱਚ ਸਹਰਾਏ ਅਜਾ ਸਾਹਿਨ ਬਾਕੀ ਬਨਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਆਣ ਮੁਕਾਏ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਹੱਥ ਨਪ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਖੈਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਖੇ ਵੱਲ ਵੱਲ ਕੇ ਦੁਖੀਆ ਏ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਕੋਈ ਵਸ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਕੋਈ ਵਸ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਮਹੀਦ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਦ ਤੇ ਦੋ ਵਹਿਣ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਾਹਰਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਫਾ ਦਾ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ ਆਇਓ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਾ ਹੈ ਅਬਾਸ ਫਰਮੈਂਦਨ ਅਕਬਰ ਜੀ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵੈਸਾਂ ਚੂੰਕਿ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਅੱਖੀਂ ਦਾ ਨੂਰ ਤੇਰੇ ਮੈਦਾਨ ਵੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖੀਂ ਦਾ ਨੂਰ ਮੁੱਕ ਵੈਸੀ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਦਨ ਚਾਚਾ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਦਾ ਨੂਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਮਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਵੈਸੀ ਚਾਚਾ ਭਤਰੀਜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਆਦਨ ਚਾਚਾ ਤੁਸਾਂ ਕਮਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਵੈਸੋ ਅਬਾਸ ਫਰਮੈਂਦਨ ਅਕਬਰ ਤੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਸਨ ਦੇ ਯਤੀਮ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਆਦਨ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਤੁਸਾਂ ਸਹੀ ਆਦੇ ਪਏ ਹੋ ਚਾਚੀ ਅਬਾਸ ਦੇ ਵੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਚਾਚਾ ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਆਦੇ ਪਏ ਹੋ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂਰ ਮੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਸੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਖੀਂ ਦਾ ਨੂਰ ਮੁੱਕ ਸੀ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਗਰੀਬ ਭਤਰੀਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਭੱਜ ਪੈਣ ਗੱਲ 'ਚ ਬਾਈ ਪਾ ਕੇ ਦਿਨ ਕਹਿ ਆਖੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਤੇਰੇ ਵੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੋ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਪਰਨੀ ਬੇਵਾ ਥੀਂਦੀ ਏ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹਸਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕਬਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਪਰਨੀ ਬੇਵਾ ਤੇ ਦੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਜਨਾਬੇ ਕਾਸਿਮ ਆਪਣੇ ਖੈਮੇ ਆਏ ਜਨਾਬੇ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਮਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਕਾਸਿਮ ਅਜਾ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ
रोमना मुकद्दर है। अल्लाह अकबर। कासिम अजा जींदा है, पैर ते हाथ रख के आदा मां दुआ मांग इंशाल्लाह यतीम ही कोई ना हो। अम्मा चाचे तो वेना इजाजत नहीं देना, खैमे आना तुसा बाहर नहीं देने, यतीम किन वंजे। बीबी आदि रोना आ इजाजत घिना देवा। अगे अगे कासम, पीछे पीछे कासम दी माँ जिन्हें कुर्बानियां देवीं। अगे अगे कासिम, पीछे पीछे कासम दी माँ। मैदान दो टुर पैन ये मंजर डिठे सरकारे वफा। तलियां टेक के उठन शबीर दे कदम ते हाथ रख के दिन उजड़ गए भर जाई अम्मा मैदान पे आने। शबीर उठी खड़े इवें हाथ बद के दिन भर जाई अम्मा क्यों तकलीफ की दिए, मैं को हुक्म करो आ मैं आ पावा। बीबी रो क्या दी हुसैन गर्जा वाले आ हुसैन मेरे कासम को इजाजत क्यों नहीं भी देंदा। सैयद आदन अम्मा भरजाई अम्मा की मैं इजाजत देवा, कासम दे मंजन दे ना तो घर बर्बाद थी ने। एक दा मेरी धी रात ही परनी बेवा थी दी, बिया मेरे भिरा दी निशानी मुक दिए। बीबी जल्दी दे नाल होने अलामा साहब तो सुन दे पर जल्दी दे नाल। कासम दे बाजू नालो तावीज खोले, वो तावीज क्या है जनाब हसन दे हाथ दी लिखी हुई तहरीर है। शबीर पढ़ दे आएन तहरीरी पढ़ दे आएन रोंद आएन हाथ इशारा करके वलो भर जाई अम्मा कासम को तैयार करो मेडी औखी सौखी ने बोसी। हुण कासम ही खुश है, कासम दी माँ ही खुश है। मैं सदके वाजा बीबी रो क्या दिए कासम ला तू बानी शरीयत दा पुत्र है, शरीयत इजाजत नहीं देंदी। पहले वांज रात दी परनी को लो इजाजत गेला। जनाबे कुबरा दे खैमे आए ना हद बद के अदन चाचे जाई तड़े मान भी निभास। बीबी बहन कर किया दिए कासिम झिकिया गला न कर, मैं ता आप तड़ी ममलूना मेरे बाबे दी कुर्बानी वदा बन दे। सदके 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 शबीर को पता लगा है जो कासम तैयारी है चे। कासम दा हाथ नाप के अपने खैमे घेना है। करबला दे गरीब ने तबरकात वाला संदूक खोले, जनाबे हसन दिया बा कढ़िए पोतर को पवाइए। हसन दी नालैन कढ़िए पोतर को पवाइए। हसन दा मामा करके कासम दे सर ते रखे। मैं सर क्यों या हकल मार के आदन मेडिया मामा मेडिया बेना जल्दी आओ जिला आखरी वेले हसन देखना होवे। सदके हौसले नाल सुन दे जोग दर जोग बीबिया। शबीर दे खैमे च कठियां होंदियां नहीं, कोई हाथ चूमदी है कोई आवाज चूमदी है, कोई आदी है वाह हसन, कोई आदी है हाय गरीबी, कोई आदी है हाय कासिम। वैन बुलंद होंदे आएन जनाबे अली अकबर दी मां ने केड़ा काम कीता है। कासम दा हाथ न पिया नुकरे च लै गई है खैमे दी एक नुकरे च। बीबी आदी है कासम ला तेरे नाल एक गल करना चाहनी। अम्मा हुक्म करो। बीबी आदी है तू छोटा वीर अली अकबर दा कुबरा दे सरदा ताज मेडे उजड़न दा एहसास करे तेरे हाथ विच मैडी लाज। सदके बीबी आदी है कर कत्ल अकबर दे कातिल को जन कासिम नेक मिजाज जे बच गया ता उस लुटना है मेडी बेवा धी दा। सदके हाँ।
पांच सात मिनट होर अल्लाह हो अकबर आयन मैदान बुजुर्ग अमीर कासिम दा हमला पढ़ते होंगे अल्लाह हो अकबर मैदान चायन सोने हमले करें दा वद शामिया को शाम दिखाई है कूफिया को कूफा दिखाए अरजक नामी पहलवान दे पांच पुत्र जहन्नम पहुंचाए पुत्रा दा गम लेके ए जालम दा बच्चा आप सवार होए घोड़े ते होने को सवार होंदिया शामिया डिठा है कूफिया डिठा है इस मिंबर दी इज्जत दी कसम है जिवें अब्बास डिठे इंज कह नहीं डिठा सवार होंदा डेक अब्बास शबीर दे कदमा ते हाथ रखन रो गया दिन मां दे खाली वलन दा वास्ता ने हुण मैनू भेज मेरा त्रैनिया दा तस्सा भद्री जाए ए वड़ा जालिमे अल्लाह अकबर अब्बास ते कोई इजाजत नहीं हां अगर भतरी जे नाल को मशवरा करना चाहता हूं इस दी इजाजत बेहतर मौला उच्चे जे टिब्बे आए हकल मारी है कासिम जी चाचा वाक सिद्धी रख घोड़ा भजा उन्नू जालम घोड़ा भजाए बुजुर्ग पढ़ दे होंदे इनू कासिम घोड़ा भजाए सामने आन खलोते इस जालम दे बच्चे वार कीते कासिम रकाबा ते जोर दे के वार रोक के रायगा थी के कासिम उन सीधा ना हो अंडे में यो जा कासिम ने वार कीते इस कमीन नुजीन तो जमीन ते लहाए होल मच गई अर्जक मारा गए हुन अब्बास ही खुशे हुसैन ही खुशे जिवें जो अली दी थी को पता लगे जो कासम दी फता थी गई है जनाबे उम्मे फरवा दे खेमे आई है बीबी रो क्या दी उम्मे फरवा तड़े कासम दी फता थी गई है बीबी जिवें जो कुरान पई पढ़ दी आई हत्ता ते बुलंद कर किया दिए जिवें सोना लड़दा पियाई वे आज बाबा हो गया सदके अल्लाह मैं सदके थी मैं बस थोड़ा जा होर मेरी तवक्को तो ज्यादा इबादत हो गई मारना मकसूद तो नहीं होता सोना गिरिया हो गया सोनी हाय हो गई बस थोड़ा जा होर अल्लाह अकबर इन आपस में मीटिंग पास की थी हाशमी जवान है अब्बास का शागिर्द इवें ना लासी छुप के वार करो बस मेरे च जरूरत नहीं छुप के वार कीता है तक की पास हुई है वार कीता शहजादा जीन ते संभल नहीं सकिया बस जमीन ते आवन दी देर रही सज्जे दे घोड़े खब्बे भज गए खब्बे दे घोड़े सज्जे भज गए लांदी जाते कसम हकल मार के आदे चाचा हुण मेरी मां ते राजी है सैयदा दिन लाल जल्दी ना करे मैं भी आंदा पिया अफसोस शब्बीर दे आवन तो पहले घोड़े भज चुके हैं बुजुर्ग पढ़ दियो ने शब्बीर काम केड़ा कीता झोली बनाई है कोई टुकड़ा कितू चाहिंदा है कोई टुकड़ा कितू चाहिंदा है पासे नाल एक आवाज आई हुसैन ए वी खेन सैयदा दे औखे वेले कौन है मुकी जई आवाज आई मैं बकिया छोड़ाया तेडा वीर हसन सदके मैं बकिया छोड़ के आ गया शब्बीर ए वी खेन फिरा दी आवाज मुद्दत बाद शब्बीर ने सुनिए फिरा दो मुखातब हो के उच्चा वैन करके आ दे मैं कु गुरबत मुका छोड़ाए मैदा सिम लहा छोड़ाए मैं कु गुरबत मुका छोड़ाए तड़ा का सिम लहा छोड़ाए
ਆਏ ਹੁਣ ਬਿਰਾ ਤੂੰ ਦਸਾ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਕਿੰਜ ਦਿਖਾਵਾ ਦੇ ਚਾ ਸਲਾਮਾ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇਸ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅੱਜ 7-8 ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਕੂੜ ਮਾਰਾ ਮੌਲਾ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੈਣ ਮੈਂ ਆਪ ਲਿਖੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਕਾਸਮ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਚਾਹ ਕੇ ਖੈਮੇ ਆਏ ਆਲੀਆ ਸੈਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਕਾਸਮ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਬੀਬੀ ਮਹਿੰਦੀ ਬਣਾਈ ਖਲਾਈ ਮਹਿੰਦੀ ਚਾਹ ਕੇ ਕਾਸਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਬੀਬੀ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆ ਦੀਏ ਤੈਡੀ ਮਹਿੰਦੀ ਰਚਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੈਡੀ ਸਦਕੇ ਬਨਰਾ ਏ ਡਸਾ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਚਾ ਸਲਾ ਵੈਣ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਮੈਂ ਸਦਕੋ ਰਾਤ ਦੀ ਪਰਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਰਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆ ਗਈ ਏ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਬਾਤ ਕਿਆ ਦੀਏ ਬਾਬਾ ਖੈਮਾ ਛੋੜ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਬੀਰ ਖੈਮਿਓ ਬਾਹਰ ਆਏ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਖੋਲੇ ਤਰਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆ ਦੀਏ ਮੈਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜੜ ਗਈਆਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਸਦਕੇ ਕੈਦਾਂ ਵਾਂ ਜਿੰਨੀ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚਾ ਸਰ ਯਾ ਹੁਸੈਨ